So once again back to the class. Only few students are there in the class. Today I am with you with your very special discussion. Okay. So good morning, all of you. Let all the other students join the class. So that I can start it very well. There are many of them who are there in the class. Okay. Only 12 students have sent the request. Only 12 of them out of 18. 6 students have not at all joined the class now. I request all the students to join the class once again so that I can start a class properly. Okay, so I will be continuing the class as soon as I receive the request. I will be joining them, asked to join them. Let it be whatever the case may be. Okay. Good morning. Good morning. Good morning. Okay. Okay, can I get the feedback regarding audio and video? It is a first accountancy class on TeachMint. Can I get the feedback? Okay, speak up. Is audio clear? Yes, sir. Yes, Vinita, very good. ये जो क्लास में टीचमेंट लाने का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग टू वे कम्युनिकेशन कर सके. अभी तक क्या होता था कि yes, sir. Yes, good, very good. तो अभी मैंने कल एक ऑब्जर्वेशन किया है. ऑब्जर्वेशन ये है कि आप लोग जो होमवर्क भेज रहे हो उसकी चेकिंग नहीं हो पा रही है. उसकी चेकिंग नहीं हो पा रही है. तो उसका चेक नहीं हो पा रहा. उसका कारण है चेक होने का कि मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल रहा कि मैं सबकी फाइल एक साथ पढ़ पाऊं, वो भी ऑनलाइन. तो मैंने सोचा है कि और 2-3 फाइलें पढ़ी भी है, ऐसा नहीं है मैंने नहीं पढ़ा है. तो उसमें बहुत सारी जनरल एंट्रीज गलत है. कल जो होमवर्क मुझे भेजा है मैंने 2-3 बच्चों का होमवर्क चेक किया तो उसमें मुझे बहुत सारी गलत एंट्रियां दिखाई दी. अब मैं जो आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं वो सारे क्वेश्चन में चेक करवा रहा हूँ. आप लोग अपने अपने रजिस्टर निकाल लीजिए. ओके, एक एक करके मैं सारी एंट्रिया चेक करता हूँ जिससे आप लोगों ने जो काम किया है वो क्रॉस चेक भी हो जाएगा और इस बात के लिए आपको एंश्योर हो जाएंगे कि आप गलत ना है, आपकी डाउट क्लियरिंग भी हो जाएगी. ओके, तो स्टार्ट करूंगा कल के होमवर्क से. क्वेश्चन नंबर 22, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. इज दिस क्लियर? Question number 22, generalize the following transaction. June 1, open the bank of current account at SBI. इसकी जनरल एंट्री है, bank account debit to cash. अपनी अपनी एंट्रियां चेक करते जाओ. इन केस अगर आपको लगता है कि मैंने एंट्री गलत की है या आपको कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही तो आप मैसेज भेजो, लेकिन साउंड से, क्योंकि मैं अब स्क्रीन से दूर हूं थोड़ा सा तो मुझे मैसेज देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा. मुझे मैसेज देखने के लिए बार बार स्क्रीन में घुसना पड़ेगा, इसीलिए ये साउंड सिस्टम लगाया है. इनपुट एंड आउटपुट दोनों है, आप ऑडियो मैसेज या वीडियो मैसेज दोनों कर सकते हो. इज दिस क्लियर? तो पहली एंट्री जून 1 की,
बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, दूसरी एंट्री चेक इश्यूड टू वीरू, ये एंट्री गलत लिखी है कई लोगों ने, चेक इश्यूड टू वीरू की सही एंट्री होगी वीरू टू वीरूज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक कर लीजिए अपनी अपनी एंट्री वीरूज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके बाद बॉट मशीनरी बाय चेक, तो इसकी जनरल एंट्री है मशीनरी टू बैंक, क्या इसकी जनरल एंट्री मशीनरी टू बैंक। आगे रिसीव्ड अ क्रॉस्ड चेक फ्रॉम विराट, ठीक है, आगे देखिए विराट के चेक को बैंक में जमा करने की कहीं कोई एंट्री नहीं है, अब चेक भी कौन सा है क्रॉस्ड चेक, ये वैरायटी ऑफ चेक होते हैं, क्रॉस चेक केवल बैंक में ही जमा होते हैं, उनका कॉन्टेक्ट पेमेंट नहीं होगा, तो क्रॉस चेक मिला है वीरू से, सॉरी विराट से मिला है, तो हम इसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू विराट, चेक करते जाओ बैंक अकाउंट डेबिट टू विराट अकाउंट। हम इसमें एक एजम्पशन है हमारा, इसमें हमारा एजम्पशन है, हम ये मानकर चल रहे हैं कि उस चेक को बैंक में सेम डे जमा कर दिया गया है। आगे की एंट्री रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम गंभीर, इसमें गलतियां ज्यादा है, बहुत सारे बच्चों ने इसमें गलतियां करी हैं, क्योंकि अगले पॉइंट में जून 15 को गंभीर का चेक बैंक में जमा किया गया, तो रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम गंभीर, तो जून 14 को क्या एंट्री होगी, तो जून 14 को हमारी जो एंट्री है वो है चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू गंभीर अकाउंट। एक बात ध्यान रखिए चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट, कई बच्चों ने केवल चेक लिखा है, कई बच्चों ने केवल चेक लिखा है, तो मैं आपको बता दूं केवल चेक अगर आपने लिखा तो वो गलत है, ओनली चेक इज नॉट एट ऑल करेक्ट, यू नीड टू राइट द फुल वर्ड चेक्स डैश इन डैश हैंड, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू गंभीर। अगली एंट्री जून 15 की क्या लिखा इसमें, डिपॉजिट द चेक रिसीव फ्रॉम गंभीर इन टू बैंक, तो एंट्री क्या हो गई गंभीर अकाउंट, सॉरी नॉट सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। किसी को कोई डाउट है तो बताए, इस एंट्री को मैंने देखा कई लोगों की उसमें गलत थी है, एनीवन हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क फ्रॉम मी, आप अपना साउंड ऑन करके पूछ सकते हैं मुझसे। ओके नाउ नेक्स्ट बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस क्या है, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, तो बैंक चार्जेस की हमारी एंट्री होगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, बहुत सिंपल एंट्री है बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू हु इज दिस, बेटा अपना 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 साउंड है तो बंद रखो, अदरवाइज आई विल क्लोज द साउंड। ओके नाउ नेक्स्ट इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन अकाउंट, आशीर्वाद के बारे में व्हाट्स गोइंग ऑन, नाउ नेक्स्ट आप अपना साउंड तभी अनम्यूट करेंगे जब आपको कुछ बोलना है, यहां पर स्क्रीन पर पता चल जाता है हु इज स्पीकिंग। I am not getting it right now. Still, I am not getting.
नेक्स्ट एंट्री इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन अकाउंट दैट इज जून 24 दैट इज जून 24 तो जून 24 को बैंक ने क्या किया इंटरेस्ट क्रेडिट किया हमारे अकाउंट में तो बैंक ने जो इंटरेस्ट क्रेडिट किया है हमारे अकाउंट में इससे हमको इंटरेस्ट मिला है इंटरेस्ट मिलने से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो ये हमारी एंट्री जो है वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट अब इसके अंदर किसी को कोई डाउट है तो बताए ध्यान रखें इंटरेस्ट हमारी इनकम है और इनकम नॉमिनल अमाउंट के हिसाब से क्रेडिट होती है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स इज एनीवन और अदर हैविंग स्क्रीन प्रॉब्लम नो सर एनीवन एल्स हैविंग स्क्रीन प्रॉब्लम मृदुला तन्वी नो सर नो सर नो सर नो सर नो सर स्क्रीन प्रॉब्लम इज बेसिकली ड्यू टू योर नेटवर्क प्रॉब्लम अगर आपका नेटवर्क हल्का है तो आपको स्क्रीन की प्रॉब्लम आएगी आएगी ओके आपको नेटवर्क थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा अपना या फिर आपको अपने नेटवर्क को स्विच ऑफ करना पड़ेगा स्विच ऑफ मतलब नया नेटवर्क आपको लेना पड़ेगा ओके मे बी मैंने थोड़ी सी पोजिशन चेंज की है मे बी शायद आपको अभी कंफर्टेबल लगे लेकिन मुश्किल है आपको कंफर्टेबल उतना होगा नहीं ठीक है सो नाउ नेक्स्ट इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक फिर अमाउंट विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज अमाउंट विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फिर अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ड्रॉइंग्स टू बैंक फिर लोन टेकन फ्रॉम बैंक वॉज ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट ये एंट्री हम बता रहे हैं आपको जून 29 हमने बैंक से लोन लिया और बैंक ने वो पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया मतलब हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है तो हमारी एंट्री क्या हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट मतलब हम हमारा ये जो पैसा है लोन का वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट आई होप दिस इज क्लियर नाउ नाउ नेक्स्ट इस क्वेश्चन में भी किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए अगर कोई एंट्री समझ में नहीं आई है तो Now next question number है next वाला 23 question number 23 कुछ कुछ लोगों ने जनरल एंट्रियां तो करी है लेकिन बीच में कई सारी जनरल एंट्रियां उन्होंने छोड़ भी दी हैं ब्लैंक छोड़ दिया है वो आई अंडरस्टूड वो समझ में नहीं आया इसीलिए अब जो होमवर्क दिए मैंने उनको चेक कराने की प्रोसीजर चालू हो रही है जिससे कि आपका ये चैप्टर मजबूत हो जाए और अच्छा हो जाए सबका एक बार आपका जर्नल अच्छे से हो गया फिर आपको आने वाले किसी भी दूसरे चैप्टर में कहीं भी कोई और प्रॉब्लम नहीं आएगी आई होप दिस इज ओके टू ऑल ऑफ यू नाउ नेक्स्ट जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन क्वेश्चन नंबर 23 है होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 23 Started business with cash. Started business with cash. आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल Started business with cash. तो जनरल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल क्या होगी आपकी जनरल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल आगे बढ़ते हैं Bought goods from Prakash. प्रकाश से सामान लेकर आए तो हमारी जनरल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रकाश सिंपल है बॉट फर्नीचर तो फर्नीचर टू कैश
तीसरी चौथी एंट्री अप्रैल 7 ओपन द बैंक अकाउंट, अप्रैल 7 ओपन द बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट कैसे ओपन होता है, जब तक आप कैश जमा नहीं करोगे आपका बैंक अकाउंट ओपन नहीं होगा, तो इसकी जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। इसके बाद अप्रैल 8 पेड सैलरीज रेंट रिफ्रेशमेंट, तो कंबाइंड एंट्री पास कर दो सैलरीज अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, रिफ्रेशमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और पूरा का पूरा एक अमाउंट रह जाएगा 6, 7, 8 और 3 2100 रुपया 2100। नाउ नेक्स्ट अप्रैल 12 कैश परचेजेस, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अप्रैल 15 सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू पारस, अब ये कंफ्यूजिंग एंट्री है, इसमें नाम भी दिया है और कैश भी दिया है, तो कई बच्चे पूछते हैं ये कौन सी एंट्री है, जब साफ साफ लिखा है कैश में बेचा है तो ये कैश सेल्स की एंट्री है, तो क्या लिखा जाएगा इसके जनरल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्या लिखेंगे हम इसमें, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, फॉलोड बाय नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू नरगिस, सोल्ड गुड्स टू नरगिस। अब यहां पर नरगिस को माल बेचा है लेकिन कैश वाले शब्द का यूज नहीं हुआ, तो ये क्रेडिट सेल्स की एंट्री है, इसकी जनरल एंट्री होगी नरगिस टू सेल्स, क्या होगी नरगिस टू सेल्स। परचेज वन टाइपराइटर, एक टाइपराइटर खरीदा, तो जनरल एंट्री हो जाएगी टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश। पेड फॉर पोस्टेज स्टैम्प्स, पेड फॉर पोस्टेज स्टैम्प्स, पोस्टेज स्टैम्प्स मतलब चिट्ठी के ऊपर जो स्टैम्प लगाते हैं वो, तो इसकी जनरल एंट्री सिंपल है पोस्टेज स्टैम्प्स अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर पोस्टेज एंड टेलीग्राफ एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, या पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति कैसा क्या कर रहा है, कौन व्यक्ति किस तरीके का अकाउंट मेंटेन कर रहा है। नाउ नेक्स्ट कैश पेड टू प्रकाश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, हमने प्रकाश को फुल सेटलमेंट में पे किया, ऊपर देखेंगे प्रकाश को 3000 रुपए देना है लेकिन 2700 में काम चल रहा है हमारा, हमारी एंट्री हो जाएगी प्रकाश अकाउंट डेबिट 3000 टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव। एंड लास्ट रिसीव्ड फ्रॉम नरगिस 750, ये फुल सेटलमेंट नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये फुल सेटलमेंट नहीं है, ये हो जाएगा कैश टू नरगिस। तो दो क्वेश्चन हमारे चेक हो गए, अब आप इसमें अपने अपने डाउट पूछ लीजिए, दोनों में पूछ सकते हो आप जिसका रह गया ऊपर नीचे, ठीक है भाई। थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी चेक करने की जिससे कि आप लोग चेक कर सके, आप चेक तभी कर पाएंगे जब आपने सॉल्व किया है, और जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया है उनको समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम कहां तक पहुंच रही है। अगर आप लोग अपना होमवर्क नहीं करोगे तो दिक्कत है, बहुत सारे बच्चे अपना होमवर्क नहीं कर रहे हैं, और अभी तक मैंने आप लोगों का टेलीग्राम का ग्रुप भी नहीं बनाया है, क्योंकि आने वाले समय में ये जो व्हाट्सएप पर मैं जो होमवर्क वगैरह ये कर रहे हैं ना, ये सब हटाकर मैं टेलीग्राम पर ट्रांसफर करने वाला हूँ, क्योंकि टेलीग्राम पर सेविंग ज्यादा हो जाती है, तो आप लोगों का टेलीग्राम का ग्रुप बहुत तेजी से बनने वाला है, मे बी पॉसिबल आज से बनाना शुरू कर दूं, क्योंकि अभी आप लोगों के नंबर मैंने अपने मोबाइल में सेव नहीं किए हैं, क्योंकि लास्ट वीक ही हमारी एडमिशन की प्रोसेस पूरी हुई है, इसीलिए अभी तक नंबर मैंने सेव नहीं किए हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली मैं आज से नंबर सेव करना शुरू करूंगा, मैं कहां से लूंगा, ग्रुप से उठाना शुरू करूंगा मैं, तो आप लोग अपने अपने नंबर्स के हिसाब से, अटेंडेंस के हिसाब से नंबर भी जरूरत पड़ेगी तो भेजूंगा व्हाट्सएप से, अपने नंबर बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 24 जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, जो ट्रांजेक्शंस हैं उनको जर्नलाइज करना है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। नंबर 1 जुलाई 1 परचेज्ड गुड्स बाय चेक, चेक से पेमेंट किया हमने, माल खरीदा चेक से पेमेंट किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्या होगी जर्नल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नाउ नेक्स्ट जुलाई 6 सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड फॉर चेक, बस चेक मिला और कैश भी मिला, ठीक है माल बेच दिया, लेकिन इस आगे बढ़ते हैं, 4000 के चेक के बारे में आगे कुछ बोला नहीं है,
इस 4000 के चेक के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो हम क्या एंट्री करेंगे इसकी? तो जुलाई 6 की क्या एंट्री होगी? ठीक है, तो जुलाई 6 की जो एंट्री होगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट चेक मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहां पर हमने एक एजम्पशन लिया है, हमने एक एजम्पशन लिया है, वो एजम्पशन क्या है वो मैं आपको लिखकर बता रहा हूं, जिससे आपको डाउट कभी क्लियर ना हो पाऊंगा। नो इंफॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग डिपॉजिट ऑफ कैश, ठीक है, नो इंफॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग डिपॉजिट ऑफ कैश चेक, सॉरी नॉट कैश, चेक। ये जो चेक है ना, इसके डिपॉजिट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, इट इज अज्यूम दैट चेक इज, इट इज अज्यूम दैट चेक इज डिपॉजिटिंग ऑन सेम डे, ऑन सेम डे। तो ये जो एंट्री की गई है वो इस अजम्पशन के बेसिस पर की गई है। आपको भी ये कंसेप्ट दिमाग में बिठाना पड़ेगा। हम ये मानकर चलेंगे, हम ये मानेंगे कि ये जो चेक है ये सेम डे डिपॉजिट किया है, इसीलिए मैंने बैंक को डेबिट कर दिया। अगला पॉइंट, रिसीव्ड ए क्रॉस्ड बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम समीर, समर समर S-U-M-E-R। फिर आगे, received a check of rupees 2000 from Amarnath and deposited into bank, received a check of 1000 from Shankar and endorsed it to Sharma, Shankar's check was dishonored, advertisement expenses were deposited into bank। मैंने पूरा क्वेश्चन क्यों पढ़ा, मैं ये जानना चाहता था कि ये जो बैंक ड्राफ्ट मिला है समर से, इसका हमने क्या किया, इसके बारे में कोई जानकारी है क्या? ठीक है, तो समझ से जो बैंक ड्राफ्ट मिला है उसके बारे में हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ से जो बैंक ड्राफ्ट मिला है हमें उसकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, समर से जो हमें बैंक ड्राफ्ट मिला है हमें उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं ये देखना चाह रहा था कि कहां है। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, तो लिखेंगे जुलाई 8 को। तो जुलाई 8 को बैंक से सॉरी ड्राफ्ट मिला है, तो ड्राफ्ट मिला है ना, तो ड्राफ्ट और चेक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, चेक्स और ड्राफ्ट एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे नोट एक इंस्ट्रूमेंट है, सिक्का एक इंस्ट्रूमेंट है, ड्राफ्ट एक इंस्ट्रूमेंट है, चेक एक इंस्ट्रूमेंट है, बैंक के पे ऑर्डर एक इंस्ट्रूमेंट है। तो ये सब हमारे लिए क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। और जब किससे मिला है, बैंक से मिला, सॉरी समर से मिला है, हम ये मानकर चलेंगे कि ये भी हमने क्या किया, बैंक को जमा कर दिया, इससे भी हमारे अकाउंट में पैसा आएगा। तो टू समर अकाउंट, और इसकी अमाउंट क्या होगी, 7000। और ये कंसेप्ट दोनों में ये की कंसेप्ट कर रहे हैं, जुलाई 6 और जुलाई 8 इन दोनों में सेम कंसेप्ट हम इसके अंदर लगा रहे हैं। आगे जुलाई 12 को हमें किससे चेक मिला, हमें चेक मिला अमरनाथ से और हमने बैंक में जमा कर दिया, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, तब भी हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू अमरनाथ, टू अमरनाथ अकाउंट। और कितनी है भैया ये, 2000 रुपए की। आगे बढ़ते हैं,
लगभग ये क्वेश्चन मेरी तरफ से ही सॉल्व हो गया, थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में। फिर क्वेश्चन नंबर 15, हमको चेक मिला शंकर से, हमको चेक मिला किससे? शंकर से। और हमने ये किसको एंडोर्स कर दिया? ये हमने एंडोर्स कर दिया शर्मा को। अब इसमें एक शब्द यूज हो रहा है एंडोर्स्ड। एंडोर्स्ड का मतलब होता है ट्रांसफर। कई ऐसे चेक होते हैं जिनको हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं। कैसे? वो चेक होते हैं सेल्फ के। कौन से चेक होते हैं? सेल्फ के। अनक्रॉस्ड चेक होते हैं। कौन से चेक होते हैं? अनक्रॉस्ड चेक। आजकल के जमाने में अनक्रॉस्ड चेक जो है कम फैशन में आए हैं, क्योंकि चेक के ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत तगड़ा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। उसका कारण है, आज के जमाने में चेक यूज कौन करता है? मुझे याद नहीं है कि मैंने पिछली बार किसको चेक दिया और मुझे किसी ने चेक दिया हो। मुझे कभी चेक, मैं लेता ही नहीं चेक। अगर स्कूल से भी कहीं कोई चेक का पेमेंट मिलता है, मैं मना कर देता हूँ, ये चेक में मुझे मत दिया करो। अगर तुम्हें मुझे पेमेंट करना है चेक से, तो मेरे अकाउंट में ही जमा करो, भेजो किसी को, वहीं जमा करो। मैं तुमसे चेक लूं, फिर फॉर्म भरूं, फिर बैंक में जाऊं। सो अनकूल नाउडेज। अरे आज के जमाने में कौन यूज करता है? आजकल के जमाने में क्या यूज होता है? RTGS, NEFT, ACH, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक वाउचर्स, आपके फोन पे, गूगल पे, पता नहीं कौन कौन सी चीजें आ रही। कौन यूज करता है चेक? चेक हो गया बाबा आलम के जमाने की बात, लेकिन चेक अभी भी हटाई नहीं गई है। चेक जरूरी है, आज भी चेक बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक बुक होना बहुत जरूरी है। फिर भी 15, तो हमें मिला चेक शंकर से, और हमने उसे किसको दे दिया? शर्मा को दे दिया। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? एंट्री हो जाएगी हमारी, हमारी जो एंट्री होगी वो होगी शंकर अकाउंट डेबिट टू शर्मा अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट आएगा 1000। अब इस एंट्री को समझने के लिए मैं एक कहानी और बताता हूं तुमको। इस एंट्री को समझना है तो कहानी सुनो। ठीक, कहानी ऐसी है, ठीक है, मैं अमाउंट बता दे रहा हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, मुझे चाहिए थोड़ी सी स्पेस। ओके, क्या लिखा है? जुलाई 15 रिसीव अ चेक फ्रॉम शंकर, जुलाई 17 शंकर चेक, शंकर चेक एंडोर्स्ड टू शर्मा। अब ये दो दिन की घटना है, 15 जुलाई और 17 जुलाई। 15 जुलाई को चेक मिला और 17 जुलाई को हमने क्या किया? ये आशीर्वाद तिवारी, चलती क्लास में तुझको स्कूल कब खुलेगा ये अभी पूछने की बात आ रही है, इतने सीरियस टॉपिक में, इतने सीरियस टॉपिक में स्कूल कब खुलेगा मैं उसके ऊपर डिस्कशन करूं? तुमसे मैं बाद में मिलूंगा बेटा, एक बार ध्यान से चिंता ना करो। तुम्हें तुमसे मुझे डिटेल में मिलना है बड़े आराम से। स्कूल कब खुलेगा? जब खुलेगा तो बता देंगे, और मैं क्या बताऊं? तो उद्धव ठाकरे से पूछना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी से कि वो कब खोलना चाहते हैं। इतना सीरियस टॉपिक चल रहा है, ये हॉट्स का टॉपिक है, ये हॉट्स का टॉपिक है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का। अब तुम्हें इसके बीच में मैं डिस्कस करूं स्कूल कब खुलेगा कब नहीं? कहां था मैं? पर यहां पर आपके क्वेश्चन में 15 तारीख में ये दोनों घटनाएं एक साथ हो गई। आज ही चेक मिला और आज के आज हमने उसको एंडोर्स कर दिया। आज चेक मिला और आज के आज मैंने इसको क्या किया? एंडोर्स्ड कर दिया। ध्यान से सुनना, आज चेक मिला और आज के आज मैंने इसको क्या किया? एंडोर्स्ड कर दिया। लेकिन यहां पर ये घटना दो टुकड़ों में हो रही है। तो जुलाई 15 को क्या जनरल एंट्री होगी? ध्यान से समझिएगा, हमें चेक किससे मिला? शंकर से।
तो कैन बी ओनली चेक्स इन हैंड अकाउंट डायरेक्ट, अकाउंट लिख लेना चेक्स इन हैंड अकाउंट डायरेक्ट टू शंकर। शायद मैंने एंट्री गलत लिख दी है ये वाली। अब जुलाई 17 को, ठीक है, ये चेक को मैंने किसको दे दिया, शर्मा को, तो शर्मा अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। ओके, ये एंट्री मैंने गलत लिखी है, इसको ठीक कर लो। सही एंट्री क्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सही एंट्री है शर्मा अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, और देने वाला कौन है शंकर, क्रेडिट द गिवर। बहुत स्पेशल एंट्री है बेटा ये स्पेशल एंट्री है, और इतनी स्पेशल है कि एग्जाम में एक नंबर के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप में या किसी और में फिलिंग दी ब्लैंक्स या कहीं भी आने के लायक है, इतनी स्पेशल है ये। आई होप सो। नाउ नेक्स्ट, आगे क्या बोलते हैं, शंकर का चेक डिसऑनर हो गया। शंकर का चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। किस तारीख का है ये, जुलाई 20। अब ये थोड़ी सी कठिनाई हो गई, शंकर का चेक डिसऑनर हो गया, अब ना तो पैसा हमको मिला ना शर्मा को मिला, ना पैसा हमको मिला ना शर्मा को मिला, अब हमको किससे लेना है, शंकर से लेना है, और देना किसको है, शर्मा को। तो इसकी रिवर्स एंट्री हमको करनी पड़ेगी, वापस हमें शंकर को अपना डेटर बनाना पड़ेगा, तो हमारी एंट्री होगी शंकर्स अकाउंट डेबिट टू शर्मास अकाउंट, शंकर्स अकाउंट डेबिट टू शर्मास अकाउंट, यानी शंकर अकाउंट डेबिट टू शर्मा अकाउंट। ये हो गई डिसऑनर की एंट्री, मतलब शंकर को हमने अपना डेटर बनाया और शर्मा को वापस अपना क्रेडिटर बना लिया। क्यों, क्योंकि शर्मा अब हमें शर्मा को देना है, पहले तो हो गया था, अब दोबारा मई के मई आकर खड़े हो गए ना। जुलाई 28 पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बाय चेक, तो इसकी जनरल एंट्री होगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और डिपॉजिटेड इन टू बैंक 1000, डिपॉजिटेड इन टू बैंक 1000, तो इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 1000। नाउ ऑल ऑफ यू कैन आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम मी, अब आप अपने अपने क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो रिलेटेड टू व्हाटएवर आई एक्सप्लेन। तीन क्वेश्चन मैंने चेक कराए, जिस जिसने गलत किया है और उनको लगता है कि मेरे हिसाब से मेरी एंट्री सही है लेकिन सर ने जो एंट्री बताई है, तो आप यू समझिए कि आपने हो सकता है कहीं गलती से रॉन्ग ट्रैक पर चले गए हो। अगर आप उस ट्रैक को ठीक करना चाहते हैं, देन आस्क योर डाउट सो दैट आई कैन क्लियर अ ट्रैक राइट नाउ, क्योंकि बाद में फिर बहुत देर हो जाएगी। यूज द फैसिलिटी ऑफ द न्यू सॉफ्टवेयर, हमारे लिए न्यू है, मेरे लिए न्यू है, हो सकता है आपके लिए न्यू ना हो। Use the facility of the software. एक और प्रोटोकॉल में बार बार बता रहा हूं, मिनिमम 75% अटेंडेंस दिखनी चाहिए मुझे क्लास में, मिनिमम 75 के नीचे जिसका भी परसेंटेज है वो सब एब्सेंट मार्क होंगे आपसे। 75 के नीचे जो भी दिखाई देगा वो सब एब्सेंट मार्क होगा। अभी भी 6 लोग क्लास में नहीं आए हैं, आई डोंट नो दे आर स्लीपिंग और व्हाट। Repeat. What did you say, Ashirvad? I didn't get it. Repeat once again. Sir, you have repeated. पता नहीं तुम बोल भी पा रहे हो कहीं? Type कर दो बेटा इससे अच्छा तो। Sir. हाँ बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 22 में जो एंट्री 15 जून की, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22 में चेक इन हैंड, हाँ
डिपॉजिट इज अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम गंभीर। कैश अकाउंट नहीं आएगा, क्यों आएगा चेक कैश अकाउंट? कैश का मतलब है नोट हाथ में आए क्या? कैश का मतलब है नोट हाथ में आए क्या? नोट नो सर। आपके हाथ में चेक चेक का एक डॉक्यूमेंट आया कि नोट आया? नकद रुपया। जब तक नोट हाथ में पकड़ मत लो तब तक उसे कैश ना मानो। हाँ जी और बताएं, नेक्स्ट डाउट, नेक्स्ट डाउट किसका है? नो वन? सो ऑलरेडी वी विल बी क्लोजिंग द क्लास नाउ, इसीलिए मैं बोल रहा हूं डाउट्स क्लियर करा लो। पुराना अगर कुछ रह गया है तो वहां से भी पूछ लो कि सर ये पुराने वालों में से किसी में हमको क्वेश्चन नहीं आ रहा है। 3-4 मिनट अभी है, अगर कोई पहले का है तो वह भी पूछ लो। पुराना होमवर्क भी अगर लेना है तो, अगस्त 16 को भेजा था मैंने होमवर्क, अगस्त 16 को भेजा था मैंने होमवर्क। ओके नो वन, किसी ने कोई एंट्री नहीं आई है आई हो अगस्त 16 वाले में? बहुत सारे लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं, मतलब 50% ऑफ द क्लास 11th अकाउंटेंसी होमवर्क इज नॉट डन। अभी तक मैं सख्त नहीं था आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं आप लोगों को सख्ती करूं। अब जानबूझकर आप लोगों का नाम आपका बकायदा डिस्क्लोज करूं कि कौन कौन होमवर्क नहीं कर रहा है एंड नॉट सबमिटिंग, क्योंकि अभी तक मैं केवल इसलिए छोड़ दे रहा था कि आप लोगों के एडमिशन कंफर्म नहीं थे और ये भी नहीं मालूम था कौन स्टूडेंट आएगा कौन नहीं आएगा। ओके अब जबकि एडमिशन आर ऑलरेडी कंफर्म, यू ऑल आर देयर इन द क्लास ऑफिशियली, सो आई विल बी स्टार्टिंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन, सो बी वेरी अलर्ट नाउ। So from tomorrow onwards, I want to see homework of most of the people. Okay. So end of the class for the day, you will receive your homework by the end of the day. By afternoon, अगर मैं नहीं भी भेज पाऊँ, 3 o'clock से पहले अगर मैं homework नहीं भेजू, you all can volunteer and you can call me also, sir, please send the homework. आप call करके बोल सकते हैं, sir, homework भेज दीजिए बिफोर 3 o'clock अगर मैं नहीं भी दे पा रहा हूं तो, गॉट इट? या मैसेज भी कर सकते हो, कॉल करोगे तो मुझे ऑन द स्पॉट याद आ जाएगा बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू आफ्टर द स्कूल ऑल्सो। तो मैं मे बी जैसे कल मैं उसमें बैठ गया था बच्चों के साथ डिस्कशन में इंडिविजुअल 1-to-1 क्लास 12th के साथ, तो भी मेरा टाइम निकल गया, 4-5 का बज गया शाम के, पता ही नहीं चला। फिर तो उसी बात करते करते याद आया क्लास 11th का होमवर्क बाकी है तो मैंने आपको भेजा, गॉट इट? आप लोग 3 बजे से पहले याद दिलाओ, कोई दिक्कत नहीं, कॉल करो मुझे, आप कॉल करोगे आई विल नेवर माइंड इट, बट अप टिल अ पर्टिकुलर टाइम, 11 बजे मत करना वो ठीक नहीं है। सो ओनली 13 पार्टिसिपेंट्स आर देयर जो मुझे अभी दिख रहे थे, विनीता, पूजा, भार्गवी, आर्या, ओम, सोहेल, तन्वी, हर्ष, मधु, सारंग, आशीर्वाद, अंश और मृदुला, ओनली दीज टू वेर देयर। So I'm closing the class now. See you tomorrow morning in BS class.